अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्पाइस कुज़ीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशपाश होंगे। आज हम बनाएंगे भरवां भिंडी या स्टफ्ड भिंडी भी आप इसको कह सकते हैं, ओकरा या लेडी फिंगर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। आप इसको साइड डिश के तौर पर भी खा सकते हैं या फिर इसको चपाती के साथ, मेन कोर्स के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे हम भरवां मिर्चें बनाते हैं, उस तरीके से भी आप इनको बनाकर दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं। इसमें भरने के लिए मैं बादाम और काजू का एक पाउडर भी इस्तेमाल करूंगी, जो इसको बहुत एक रिच सा टेक्सचर देगा। और बाकी इसका जो हम इसकी स्टफिंग करेंगे, वो मैं प्याज से और दूसरे मसालों से करूँगी। इसके लिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिए हैं बादाम 8 से 10 अदद। इनको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया है, यानी कि ब्लांच्ड आलमंड्स आपने इस्तेमाल करने हैं। और काजू हैं यहाँ मेरे पास 6 से 8 अदद। मैं जितनी भिंडियों का ये बना रही हूँ उसके लिए ये पाउडर काफ़ी होगा। अब इनको हमने ग्राइंड करना है, और ग्राइंड इस तरह से करना है कि बिल्कुल इसकी एक पाउडरी फॉर्म ना आए, बस थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ इसको होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कॉफ़ी ग्राइंडर इस्तेमाल किया है इसको इस तरह से कोर्स कोटने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको भिंडियाँ दिखा दूँ। मैंने यहाँ पर ली हैं तकरीबन 100 ग्राम भिंडियाँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ मसाला भरने के लिए, ये 100 ग्राम भिंडियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनको कट कैसे करना है। सबसे पहले आप भिंडियों की टॉप रिमूव कर लें, यानी कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आप काट लीजिए, नीचे वाले हिस्से को आपने नहीं काटना। टॉप रिमूव करने के बाद आप देखिए कि मैं इसको किस तरीके से काट रही हूँ। एक बारीक छुरी की मदद से मैं इसको ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें एक कट लगाऊँगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें यूँ एक स्लिट सा बन जाएगा। नीचे से भिंडी जुड़ी हुई है, लेकिन इस तरीके से दरमियान से ये कट चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं तमाम भिंडियों को भरने के लिए तैयार कर लूँगी। अब इसका जो हमने स्टफिंग के लिए मसाला बनाना है, उसके लिए मैंने यहाँ ऑयल लिया है 1 खाने का चम्मच, और पैन में ऑयल को डालकर मैं इसको गर्म कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज 1 अदद, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत बारीक सा काटा हुआ है। आप भी इसी तरह से इसको काटिए। और ये प्याज मैंने छोटे साइज़ की इस्तेमाल की थी। प्याज डालने के बाद आप इसको सॉटे करें। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस थोड़ा सा कि इसके ऊपर हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए। आप इसको भून लें। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन का जवा। ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है, 1 अदद मैंने यहाँ लिया है। और लहसुन डालने के बाद भी आप इसको सॉटे करें। हमने इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस इसको इतना पकाना है कि इन दोनों चीज़ों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और आंच को आप मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हाई करना। ये देखिए, अब ये दोनों चीज़ें भुन चुकी हैं, इनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब आपने चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा बंद हो जाए तो अब मैं इसमें दूसरी चीज़ें डालूंगी। सबसे पहले जो हमने कुटा हुआ बादाम और काजू का जो हमने मिक्सर तैयार किया था वो आप इसमें डालें। पिसा हुआ ज़ीरा मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चाय का चम्मच। साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ साबित धनिया, ये भी 1/2 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर, ये भी मैं इसमें डालूँगी 1/2 चाय का चम्मच। कसूरी मेथी,
या जिसको सूखी मेथी भी कहते हैं, ये इसमें जाएगी एक चाय का चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका, आप जितना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई सुर्ख मिर्च आधा चाय का चम्मच। अगेन अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ अनारदाने का पाउडर आधा चाय का चम्मच। इस पाउडर की वजह से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है, थोड़ा खट्टा सा इसमें चाचाता है और वो बहुत मज़े का लगता है। अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, यहाँ मैंने एक अदद इस्तेमाल की है, आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप दो भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मैंने यहाँ लिया है 2 खाने के चम्मच। सीजनिंग तमाम इसमें जा चुकी है, अब मैं इसमें डालूँगी लीमू का रस, 2 से 3 खाने के चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ 2 खाने के चम्मच डाले हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद याद रहे कि चूल्हा हमारा बंद है, हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा मिक्स करना है इस तरीके से कि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो यकजान हो जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी भरवा भिंडी की जो फिलिंग है वो तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने भिंडियों की स्टफ़िंग किस तरीके से करनी है। हमने पहले भिंडियों में यूँ स्लिट कर लिए थे, अब आप हाथ की मदद से या आप चाहें तो छोटा चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो मसाला हमने तैयार किया है वो भिंडियों में भरते जाएं। इस तरह से मैं डाल के हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस कर रही हूँ ऊपर से, और कुछ एन शेप आपके पास इस तरीके की आएगी भिंडी की, ये देखिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैं तमाम भिंडियों की स्टफ़िंग कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर भिंडियाँ मैंने भर ली हैं मसाले से। अब बारी है कि अब हम इनकी कुकिंग करें। इनको पकाने के लिए मैंने एक अलग पैन लिया है, आप थोड़ा चौड़ा वाला पैन इस्तेमाल कर लें। और इसमें मैंने ऑयल डाला है 1 खाने का चम्मच। हमने इनको फ्राई नहीं करना इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ कि ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, तकरीबन मीडियम हॉट इसको होना चाहिए, क्योंकि जब हम भिंडी को इसमें डालेंगे तो वो एकदम से ऊपर से जल जाएगी और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आप तेल को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, मीडियम हॉट हो तो आप इसमें एक एक करके ये भरी हुई भिंडियाँ डालें। मैंने इसको पैन में असेंबल कर दिया है, अब आप इसको कवर करें और तकरीबन इसको 12 से 14 मिनट लगेंगे कम्प्लीटली डन होने में। अब इसको 12 से 14 मिनट के लिए ढक के बहुत हल्की आंच पे इसको छोड़ दीजिए। आंच का आपने बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आंच रखेंगे तो ये ऊपर से इसकी स्किन भिंडी की जल जाएगी। ये देखिए तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है और आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो चुका है और ये परफेक्टली डन है। जो भिंडी की स्किन है वो क्रिस्पी हो चुकी है और अंदर इसका ये जूसी मसाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस रेसिपी की तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जैसे कि मैं अपनी तमाम रेसिपीज़ में करती हूँ, आप वहाँ से जाके भी इंग्रेडिएंट्स को चेक कर सकते हैं। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।